हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल ऑन योर पीडी एजुकेशन। सो टुडेज एडवर्टाइजमेंट इज़ वेरी वेरी गुड फ्रेंड्स। अगेन आई एम टेलिंग यू दैट द नोटिफिकेशन इज़ फ्रॉम IOCL, दैट इज़ फ्रॉम इंडियन ऑयल, एंड इट इज़ द रिक्रूटमेंट फॉर इंजीनियर्स ऑफिसर्स एंड एंगेजमेंट एज ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप इंजीनियर इन इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड थ्रू गेट 2021। ओके, सो दिस नोटिफिकेशन इज़ आउट ऑन 7th July 2021, and the branches eligible are, these are the branches. Okay, because I have already covered this notification in Sunday Dhamaka, but I want a separate detailed notification. Okay, there I have covered just very briefly. So here you can see mechanical, instrumentation, electrical, civil and chemical students are eligible. Additionally, few candidate would also be selected from above discipline except instrumentation engineering for engagement at graduate apprenticeship engineer in line with apprenticeship act. Okay, so here you can see GAE are offered a lump sum monthly stipend and on the basis of satisfactory performance. Now let's see the eligibility criteria. So who can apply? Only Indian national can apply, and applicants must have appeared and qualified in GATE 2021 from any one of the disciplines mentioned in para number 1.2. So it is one number para, we will discuss that also. Now eligible GATE disciplines, here you can see para number 1.2. So if you are chemical engineer, then you must have given GATE in chemical. If you are from civil, then must be GATE in civil. Now here you can see qualifying in GATE 2021 from any other discipline other than 5 mentioned above shall not be accepted. And there is one more important point, GATE marks of previous year 2021 or before shall not be accepted. So इससे competition आपका बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, only GATE 2020 वाले eligible हैं. Now education qualification or degree, so here you can see full time BTEC or BE or equivalent as full time is required. Now if you are chemical engineers including पेट्रोकेमिकल, सो इसका मीनिंग क्या है, दैट इफ़ यू आर केमिकल इंजीनियर और पेट्रोकेमिकल पॉलीमर, इसमें आपने अगर डिग्री किया है, देन यू कैन अप्लाई अंडर दिस कैटेगरी एंड यू मस्ट हैव गिवन इन गेट केमिकल इंजीनियर. सपोज यू हैव डन बीटेक इन आई कैन से सिरामिक इंजीनियर्स, देन यू मस्ट हैव गिवन गेट इन केमिकल, देन यू आर एलिजिबल. सिमिलर फॉर अदर ब्रांचेज ऑल्सो. ओके, सो कैंडिडेट परसिंग और कंप्लीटेड देयर ग्रेजुएशन और बीई बीटेक इन कंबाइंड इंटीग्रेटेड डिसिप्लिन इंटर डिसिप्लिन लाइक मैकेट्रॉनिक्स आर नॉट एलिजिबल. तो कंबाइंड वाले एलिजिबल नहीं है. कैंडिडेट हैविंग क्वालिफाइंग डिग्री फ्रॉम ए डिसिप्लिन अदर देन दोज ऑफ नॉट अप्लाई, सो नॉट एलिजिबल टू अप्लाई. तो ये है आपके पास. नाउ कैंडिडेट हु हैव कम्प्लीटेड और परसुइंग एम टेक इन अदर डिसिप्लिन इन एनी डिसिप्लिन ऑल्सो एलिजिबल टू अप्लाई प्रोवाइडेड दे हैव अपियर्ड इन गेट 2021 एग्जाम एंड एलिजिबल इन डिसिप्लिन. सो इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग आप एलिजिबल होने चाहिए, दैट वी हैव डिस्कस्ड. ओके, नाउ हेयर यू कैन सी कैंडिडेट हु इज़ परसुइंग और कम्प्लीटेड एम टेक इन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, तो उसके लिए विच इज़ नॉट एन एलिजिबिलिटी बट हैज़ डन बी ई बी टेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विच इज़ एलिजिबल डिसिप्लिन, सो इज़ एलिजिबल टू अप्लाई. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है. ओके, नाउ हेयर यू कैन सी सच कैंडिडेट, बेसिकली दीज आर नॉट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स. आई कैन सी अपर एज लिमिट फॉर कैटेगरी एंड मिनिमम. हेयर यू कैन सी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स का. सो कैंडिडेट करंटली इन फाइनल ईयर सेमेस्टर ऑफ देयर क्वालिफाइंग डिग्री मे ऑल्सो अप्लाई, सो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स आर एलिजिबल. ओके, सो यहाँ पे मिनिमम परसेंटेज मार्क्स फॉर जनरल OBC EWS 65% एंड फॉर शेड्यूल कास्ट इट इज़ 55%. रिजर्वेशन एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स एंड फिजिकल फिटनेस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया हेयर. सो कैंडिडेट टू नोट अदर कुछ क्राइटेरियाज आर देयर. Here you can see other criterias. Application process, so candidate must go through detailed advertisement. Okay, the relevant link to apply online shall be available on the Indian Oil website. This is the website, so by going there you can apply. I will provide that link directly in the description also, and then you have to follow these processes. Now selection processes, selection shall be on the group discussion, group task, personal interview ke base pe hoga yahan pe, and shortlisting ka criteria kya hai, document readiness, merit list. So ye sabhi aapke merit list honge, teen parameters, ग्रुप गेट, ग्रुप डिस्कशन और ग्रुप टास्क एंड PI. ओके,
name of the job and all details are given here, and most important remuneration. So 50,000 per month and shall be placed in the pay scale of this. So ये कुछ pay range है. इसके अलावा जो आपको allowances वगैरह हैं वो भी मिलेंगे. Okay, service bond for general 3 lakh and for other category it is 50,000 only. So it is, I think it is wrong. Basically कुछ इतना ज़्यादा difference नहीं होना चाहिए, because it is not important that कोई general वाला ज़्यादा अमीर होगा या ऐसे कुछ OBWS वाला ज़्यादा गरीब होगा. तो इट इज़ नॉट लाइक दैट. ओके, कुछ अलग चीज भी हो सकती है, दैट जनरल OBC पूरा रिजर्वेशन एक ही बराबर होना चाहिए. एंड लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन इज 26th July 2021. सो कुछ क्वेरी है देन यू कैन जस्ट गो टू दिस IT. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज नोटिफिकेशन फ्रेंड्स. एंड जैसा आपका कुछ आई कैन से डिमांड था दैट प्राइवेट का भी सर लेके आओ, तो वो भी हम आने वाले वीक्स में वी आर प्लानिंग टू ब्रिंग मोर एंड मोर प्राइवेट जॉब्स ऑल्सो. ओके, सो थैंक यू वेरी मच. इफ़ यू आर न्यू टू योर PD एजुकेशन चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. थैंक यू वेरी मच.